देखिए इस मेयर प्रत्याशी की टीम कर रही है कुछ अलग हटकर चुनावी प्रचार प्रसार, सुनिए क्या कहते हैं लोग। नगर निकाय चुनाव को लेकर सारे प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार में जोर शोर से लगे हुए, सारे प्रत्याशी में हम और हम की लड़ाई है। सभी प्रत्याशी इस चुनावी मौसम में जनता को लुभाने के लिए तरह तरह का वादा और कुछ अलग हटकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच नगर निगम सहरसा से मेयर प्रत्याशी योगेश कुमार भगत टोपीवाला ने अपने चुनावी प्रचार प्रसार में महिलाओं की टीम को जनसंपर्क अभियान में लगाया है। योगेश कुमार भगत को चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप मिला है। महिलाओं की टीम नगर निगम सहरसा में जनसंपर्क अभियान में गैस सिलेंडर लेकर ही डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रही है। बताइए, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट डालेंगे, क्षेत्र में किस तरह की समस्या है? हम लोग के क्षेत्र में सर आज का एक साल से सड़क नहीं बन रहा है, हॉस्पिटल भी बहुत तरह से गंदी रहती है और नाला का कहीं भी प्रबंधन नहीं है। ये परसाहा गांव जो है इसमें इस बार निगम में शामिल हुआ है सहरसा नगर निगम से, और यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छी नेता का चुनाव करें, जिसमें कि योगेश भगत सब्जी मंडी से खड़ा हुए हैं। हम लोग उनका चुनाव चिन्ह सिलेंडर छाप को लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि जिताने का, और जीतेंगे तो हम लोग का प्रबंध करेंगे कि सड़क नाला और पानी की व्यवस्था हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो। क्यों योगेश जी को आप क्यों जिता रहे हैं? हम लोग इनसे क्योंकि मेयर में बतौर दो दर्जन से अधिक प्रत्याशी सहरसा नगर निगम से चुनावी मैदान में है, आप उन्हीं को क्यों जिताइएगा, उन पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? उन पर हम विश्वास है सर, 2008 से हम किराना दुकान खोले हैं और जब भी सब्जी मंडी गए हैं तो हमको किसी तरह का समस्या, अगर रुपया पैसा भी घट गया है तो उनके तरफ से मदद मिला है, और जहां कहीं भी दुकान में समस्या पैदा हुआ है तो हमको वो हर तरफ से मदद की है। इसीलिए हमको ये दिल से चाह रहे हैं योगेश भगत को, हम 2008 से। क्या लग रहा है कि जीतने के बाद भी सहरसा नगर निगम की तस्वीर बदलेंगे? हमें तो विश्वास है कि उनका तस्वीर बदलेंगे सहरसा नगर निगम को, और हमारे तरफ से प्रोत्साहन रहेगा कि परसाहा गांव को कुछ ज्यादा तौर से विकास करे। क्या नाम है आपका? रमन कुमार पंडित। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है, प्रत्याशी जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने तरह तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रत्याशी जो है जनसंपर्क जो कर रहे हैं नगर निगम सहरसा में, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नगर निगम सहरसा की, प्रत्याशी महिला टीम को भी जनसंपर्क में उतार दिए हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये नगर निगम सहरसा की तस्वीर है, आप देख सकते हैं प्रत्याशी किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, महिलाओं की कितनी टीम उतरी हुई है यहाँ पे, और ये चुनाव प्रचार प्रसार करने का एक नया तरीका भी नज़र में आ रहा है कि प्रत्याशी को जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वो चुनाव चिन्ह लेकर के ही प्रत्याशी यहाँ डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। हम लोगों से भी जुड़ना चाहेंगे, ग्रामीण से, क्योंकि जो भी चुनाव प्रचार प्रसार का समय है, लोग घर घर आके चुनाव प्रचार प्रसार कर, टीम यहाँ पहुंची हुई है, वो जनसंपर्क कर रही है नगर निगम सहरसा में। हम उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि वो किनके समर्थन को, किनके समर्थन देते हुए चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। आप लोग देख रहे हैं डोर टू डोर अभी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किस तरह के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप लोग? ये मेयर पद के लिए है जिसमें खड़े हुए हैं योगेश कुमार भगत जी, ये बहुत ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं, हम सब चाहते हैं कि ये जीते और ये सहरसा का विकास हो। ये मेयर में तकरीबन दो दर्जन से अधिक प्रत्याशी है, लेकिन आप ये टोपी वाले को ही उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके जनसंपर्क में डोर टू डोर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, खास करके गरीबों के लिए। जब कुछ दिन पहले मेरी बहन से की शादी थी उसमें भी हमको बहुत मदद किया, और यहाँ तक की बोले और जितने आपके टोले मोहल्ले में है सबको कहिए, जिसको हेल्प की जरूरत है हम सबको मदद करेंगे, और सबको आप कीजिए, जितनी गरीब है जितनी देख रहे हैं हमारे साथ में औरत सब सारी महिलाएं सबको मदद करते हैं। हम चाहते हैं कि ये वृद्धा पेंशन, रोड समस्या और बेरोजगारी जितना बढ़ रहा है सबको ये ठीक करे, और इसी लेकर के ये मेयर बने। क्या लगता है, ये चुनाव का समय है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो डोर टू डोर जा रहे हैं, उनके समर्थक जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लगता है चुनाव के समय में जो लोग वादा करते हैं, जो जुमला करते हैं, कहीं इनकी भी जीत हो और ये वादा इनका फेल हो जाए, तो क्या लग रहा है, कितना विश्वास है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनको बहुत दिनों से जानते हैं, ये जो भी बोलते हैं वो करते हैं, आज ये जो भी बोलेंगे जो भी वादा करेंगे ये करेंगे, इतना है कि ये करेंगे। क्या नाम हुआ आपका?
निभा कुमारी। आप सुन रहे हैं जो समर्थक हैं, जो चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनके उनके अंदर का आत्मविश्वास सुन रहे हैं, इस तरह से वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए। और भी यहाँ टीम में महिलाएं हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं और जानते हैं। बताइए आप किसके प्रचार प्रसार में आई हुई है आप लोग इतनी महिलाएं? जलंधर साहब से। तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत सारा छाप है, तो इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये अच्छा आदमी है, इसी के लिए इसको हम चुने हैं। क्या लगता है जीत होने के बाद ये क्या जीत करने के बाद जो है ये काम करेगा, इसका वादा है, जहाँ जहाँ घूम रहा है वहाँ वहाँ काम करेगा। लग रहा है कि इनकी जीत होने के बाद फिर ये बदल जाएंगे अपना? नहीं, बदलने तो नहीं देंगे, ये मेरा वादा है, बदल नहीं देंगे। हम दावा ठोक के बोलते हैं, जो भी काम आएगा, फंड आएगा, वृद्धा पेंशन आएगा, रोड का, लाला का, जो भी दिक्कत है अभी सहरसा में, वो सब कुछ हम करवाएंगे। जितना भी औरत को अभी बैठा रही है, सबका हम रोजगार लगवाएंगे। क्या लग रहा है आपके पीछे जितनी महिलाएं का टीम है या जो जनसमर्थन मिल रहा है प्रत्याशी को, ये वोट में तब्दील हो पाएगा? हाँ, होगा। इन लोग काम किया है, हमारे थ्रू सब आई है, सब मेरा काम करेगी, सब देगी। क्या नाम हुआ आपका? विमल देवी। तो आप सुन रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो जनसंपर्क में प्रत्याशी के समर्थक आए हैं, जो महिलाएं यहाँ पहुंची हुई है, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही है, लोगों को प्रत्याशी के सिंबल के बारे बता रही है और ईवीएम के बारे बता रही है कि क्रमांक संख्या कितने नंबर पे हमारे प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह है। लेकिन अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रत्याशी जो पूरी सरगर्मी से नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने अलग अलग तरीके से सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता अपना प्यार आशीर्वाद किसे देती है, किसके सर जीत का सहारा जाता है। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।